नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबे वक्त से चली आ रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं। बीजेपी ने राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह एक चिट्ठी जारी कर नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी ने यूपी की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी का नाम प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार बीजेपी ने राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को चुन लिया है। योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा होते ही उनके मुरादाबाद स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनके परिवार को बधाई देने और मिठाई खिलाने का सिलसिला चल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतना बड़ा पद मंत्री? पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया माननीय जे पी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई, उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। आप खुद उनके बेटे हैं, इतना बड़ा पद मिल जाना और हम मुरादाबाद से आते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली कर्मचारी थाने के बाहर लगे विद्युत पोल से थाने का विद्युत कनेक्शन काटते नजर आ रहा है। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि थाना भवन में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मचारी लाइनमैन मेहताब का चरथावल तिराहे पर मोटरसाइकिल पर चालान कर दिया गया, जिसमें उसका 6,000 का जुर्माना लगाया गया है। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो संविदा कर्मी लाइनमैन का कहना है कि उनकी तनख्वाह 5,000 है और उसका 6,000 का चालान काट दिया गया। सर, मैं अपने काम पे आ रहा था तो मुझे यहाँ चरथावल अड्डे पे चेक इन अभियान चल रहा था, उसमें पकड़ लिया कि हेलमेट नहीं था मेरे पास। तो मैं बोल ले कि हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा, मैंने उन्होंने बता दिया जी मैं लाइन मैन हूँ और लाइन चेक कर रहा इसलिए नहीं पहनना। तो मैं कहने लगे आपका चलान कटेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मगर सर आइंदा मैं हेलमेट लगा के चलूँगा। कहने लगे नहीं, तुम लूटते खसूटते हो लोगों को और बिल भेज तो उल्टा सीधा, तो आपका चलान तो ज़रूर कटेगा। और मेरे सामने ही 2-3 को छोड़ा भी उन्होंने कहा कि आगे से लगा लेंगे, उनको छोड़ दिया, मुझे बोल ले कि आपका ज़रूर कटेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरदोई पहुंचे। हरदोई के पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विकास भवन सभागार पहुंचे, जहां डीएम, एसपीओ और सीडीओ ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। साथ ही डिप्टी सीएम विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में सभी विधायक, अधिकारी और राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं। धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में किसानों की समस्याओं को लेकर राजनीति गर्म होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सैदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू ने जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित करने के साथ मुआवजे को लेकर पदयात्रा निकालकर प्रशासन को चेतावनी दी। आपको बता दें कि असाना गांव से कंधवा गांव तक नहर के किनारे किसानों की समस्याओं को लेकर पदयात्रा निकालते हुए पूर्व विधायक ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि चंदौली जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित करने के लिए प्रत्येक एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा राशि किसानों को दी जाए। अगर 10 दिन के अंदर सरकार किसानों की समस्याओं पर विचार करती तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होगी। आज किसान पदयात्रा था और पदयात्रा करके हम लोगों ने सरकार को बताने का काम किए कि सूखाग्रस्त घोषित करिए, निजी नलकूपों के बिजली को माफ करिए और प्रति एकड़ 15,000 रुपया का मुआवजा देने का काम। क्या है आगे के लिए, क्या किसानों के लिए 10 दिन का टाइम दिए हैं। अगर 10 दिन के अंदर अगर सूखा घोषित नहीं होता है तो हम लोग ईट से ईट भी बजाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी। कहाँ से कहाँ तक पदयात्रा हुआ? आज हम लोग असना से लेकर कंडवा तक की पदयात्रा करते आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक बानर भी इस पे पदयात्रा किया था। मैं पूछना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष का अगर विधायक पदयात्रा करता और अधिकारी उस नहर में पानी नहीं देते हैं तो इससे बड़ा नाराजगीत और कुछ हो ही नहीं सकती।
जनता दल संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। जनता दल संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई जो पीजीआई पलखनी से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। ज्ञापन के माध्यम से जनता दल संगठन ने मूलभूत सुविधाएं उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था की मांग की है। इस मौके पर जनता दल संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी, प्रदेश अध्यक्ष आनंद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है और मैं जनता दल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी आज रैली निकालने का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए पत्रकार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज जनता दल संगठन ने जो हमारे यहाँ पीजीआई बना हुआ है, जिसकी मांग को लेकर जनता दल संगठन पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आज पीजीआई के मुख्य द्वार से ही यहाँ जिला कार्यालय तक हमने बाइक रैली निकाली शांतिपूर्वक तरीके से, और यहाँ आकर के आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने वही जो मांग पीजीआई की है, जो मांग रहे पिछले 3 वर्षों से हमारी जो मांग रही है पीजीआई में पीजीआई की जैसे सुविधा दी जाए, वही हमने आज मांग रखी है आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से। तो इतने टाइम से आप मांग करते आ रहे हैं, मांग क्यों नहीं पूरी हो रही, क्या कारण है? देखिए सर, ये तो आप लोगों को पता है, हम भी इस बारे में नहीं कह सकते। लगता है सरकार पीजीआई के बारे में गंभीरता से पीजीआई को नहीं ले रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की मेरे ख्याल में उसके स्वास्थ्य की इतनी चिंता सरकार को और प्रशासन को नहीं है जितनी वोट लेने के समय रहा करती है। ये वही लोग हैं जिनकी आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार और प्रशासन अनदेखी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन वर्मा से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रदेश और देश का अन्नदाता किसान भुखमरी के कगार पर है और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, विवश होकर आंदोलन करने पर मजबूर है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय श्रीन चौधरी तमाम लोग मौजूद थे। हम जिलाधिकारी कार्यालय पर जब माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है, 10 सूत्रीय ज्ञापन है हमारा, मुख्य मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग तो सबसे पहले सारी समस्याओं का समाधान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारी प्रार्थना, पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारा कहना है कि 100 रुपये लीटर का तेल ट्रैक्टर में डालकर यदि हम खेती करें, किसान खेती करेगा तो उसका भार जो है आम जनता पर, गरीब पर पड़ा कर रहा है। तो सर किसान को 30 रुपये लीटर के डीजल का भाव का तय होना चाहिए। बुलंदशहर में डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने एसएसपी श्लोक कुमार के साथ तहसील सदर परिसर में बनाए गए वेयर हाउस का बाहरी स्थलीय निरीक्षण करते हुए गोदाम में संरक्षित ईवीएम वीवीपैट मशीन के संबंध में जानकारी हासिल की। संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाने के पीड़िता खुदकुशी मामले में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पीड़िता का दुष्कर्म के बाद हत्या की है। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता घर में अकेली थी, इसे आरोपी ने मौके पाकर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही परिजनों का आरोप है कि पुलिस केस को घुमा रही है, कल तक पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी, आज हत्या बता रही है। लक्सर के मुर्गाबाद गांव में ग्रामीणों से दुर्व्यवहार और राशन का सही वितरण न करने पर लक्सर एसडीएम से शिकायत की गई थी, जिसको लेकर लक्सर एसडीएम गोपालराम बिनवाल निरीक्षण करने गांव में पहुंचे। एसडीएम गोपालराम बिनवाल ने बताया कि गांव में राशन का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है और राशन डीलर के द्वारा जनता के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। साथ ही एसडीएम ने बताया कि पंजिकाएं उपलब्ध नहीं कराने पर दुकान को सीज कर दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा और जनता के साथ उनके द्वारा सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उसका संज्ञान लेते हुए मौके पर गए तो मौके पर जो डीलर था उसके लड़के ने दुकान खोली, लेकिन जब उससे पंजिकाएँ मांगी गई तो उन्होंने कहा कि डीलर उपलब्ध नहीं है। बाद में डीलर वहाँ पर उपलब्ध हुआ लेकिन पंजिकाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई। पंजिका उपलब्ध न कराने पर दुकान को सीज किया गया है और पंजिकाएं मंगाई गई हैं, उसमें जांच करने के बाद यदि अनियमितताएं पाई जाती तो कार्रवाई की जाएगी।
एम्बुलेंस चालकों पर प्रशासन ने हंटर चलाते हुए मनमाना किराया वसूलने पर अंकुश लगा दिया है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किराए की दरों को निर्धारित कर दिया है। साथ ही विभाग ने सख्त निर्देश भी दिए कि यदि किसी भी तीमारदार या मरीज से निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे वसूले गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कुछ स्थानों पर एम्बुलेंस चालकों पर मरीजों को लाने ले जाने के लिए मनमाने किराए वसूलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए एम्बुलेंस से मरीज की आवाजाही पर दरों को निर्धारित किया है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में एम्बुलेंस वाहनों के लिए जो है किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरी में नॉन एसी एम्बुलेंस हैं जिनका किराया 800 रुपये 15 किलोमीटर के लिए निर्धारित किया गया है एक घंटा के लिए, और इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 18 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जा सकेगा, और प्रतीक्षा अवधि एक घंटे के पश्चात प्रति घंटे 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में एसी एम्बुलेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और इसका किराया 1200 रुपये 15 किलोमीटर के लिए और एक घंटे के लिए होगा, और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 200 रुपये 20 रुपये प्रति किलोमीटर और एक घंटे के पश्चात प्रतीक्षा भाड़ा जो है 250 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया है। परिवहन विभाग द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं या फिर जिनके फिटनेस खत्म हो गए हैं। ऐसे वाहनों को सीज करने के साथ साथ उनके चालान भी किए जा रहे हैं। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा देहरादून हरिद्वार जो मुख्य जिले हैं इन दोनों ही जिलों में हमारे द्वारा 7 टीमें लगाई गई हैं, और अभियान में 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले स्कूल संबंधित वाहनों पर फोकस किया गया, वहीं दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो बिना तरीके से चलते हैं हम उन्हें रोकना है, तीसरा जो जुगाड़ बनाकर वाहन चलाते हैं इनसे हमें खतरा बना रहता है, इनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हरिद्वार के अंदर, क्योंकि इस रीजन में दो मुख्य जिले जो हैं वो हरिद्वार और देहरादून है, इसमें हमारे द्वारा 7 टीमें लगाई गई हैं, और अभियान में 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पहला स्कूल संबंधित वाहनों का, दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास जो बेतरतीब तरीके से चल रहे हैं उनको रोकना, और तीसरा ये जो जुगाड़ बनाकर चलते हैं जिससे हर वक्त खतरा बनता है इनके खिलाफ। स्कूल के अभियानों में हमारे द्वारा ऐसे वाहन जो कि स्कूल के नाम से रजिस्टर्ड हैं उनका सड़क पर भी चेकिंग की जाती है, और स्कूल के अंदर जाकर भी उनकी ऑडिट किया जाता है कि क्या स्कूल के वाहन सही हैं कि नहीं है। दूसरा ऐसी स्कूल वैन्स जो स्कूल के नाम पर पंजीकृत नहीं है परंतु स्कूल के बच्चों को लेकर जाती हैं, तो इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि वो CBSE और माननीय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनके पालन के अनुसार चल रही हैं कि नहीं चल रही। बुलंदशहर में 1.5 क्विंटल अवैध गांजा, एक बुलेरो पिकअप गाड़ी और एक मोबाइल से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर खुर्जा देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को खुर्जा रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में महानगर की पुलिस मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के तहत स्थानीय थाने की पुलिस और SOG की टीम मिलकर मादक पदार्थों के खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी SOG की टीम ने मुखबिर की सूचना पर डोमवा ढाले के पास से चेकिंग के दौरान 4 पहिया वाहन से 3 बोरी में पैक 25 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश भर में NDPS एवं अन्य ड्रग्स के सप्लाई एवं उनके रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर ने प्राथमिकता से अपने यहाँ पे चल रहे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स पर कंट्रोल के लिए एक अभियान चलाया है। उसी अभियान के अनुक्रम में जनता से हमने अपील की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको इस तरह का ड्रग्स या कुछ बेचते हुए मिले तो ज़रूर बताएं। इस बात पर मुझे एक मुखबिर ने स्वयं मुझे आके बताया कि सर डोमवा ढाले के पास में एक घुमटी है, उस घुमटी के पास में एक व्यक्ति है, वो घुमटी की आड़ में गांजे की बिक्री करता है। उसको खुफिया तरीके से पता लगाया गया तो ये बात सच निकली एवं उसके बाद में SOG एवं थाना रामगढ़ ताल की टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया
पकड़े जाने पर फर्दर पूछताछ पे उसके पास से 25 किलो गांजा 25 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद घटनाक्रम के बाद सफाईकर्मी ने इकट्ठा होकर लगातार नारेबाजी की है। हमारे सफाई कर्मचारी पे पुलिस वाले ने बेदर्दी से बहुत मारपीट करी है, जिससे सफाई कर्मियों में आक्रोश है और ऐसे ऐसी घटना छोटी मोटी कई बार कर चुके हैं, आज कुछ ज्यादा कर। क्या नाम है उस सिपाही का? सिपाही का भरत कुमार बताया जा रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी का आकाश पुत्र राजवीर। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए, जैसे हमारे दो सफाई नायक पहले करे थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।